गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने गांव में घूमकर बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों में लगातार भ्रमणशील देखने को मिल रहा है, जिसमें जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने फिर एक बार अपने जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए डोर टू डोर घूमकर बड़े बुजुर्गों सहित माताओं का आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं तथा अपने किए गए विकास कार्यों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र को दोहराने का भी कार्य कर रहे हैं। जब मीडिया की टीम ने आज दिन शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात किया तो बताया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है तथा प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनने का अथक प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे जैसे युवाओं को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को कराने के लिए चुनाव मैदान में उतार कर साबित कर दिया है कि अब इस 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर गरीब असहाय बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराना एवं विकासहीन क्षेत्र को विकसित कराना ही हमारा लक्ष्य है तथा लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ लगातार भ्रमण कर डोर टू डोर युवा वर्ग को एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रामनारायण यादव, पूर्व प्रधान राजू राजभर, पूर्व प्रधान गुड्डू राजभर, पूर्व प्रधान अशोक यादव, रामवचन यादव, ठेकेदार भगवान यादव, उपेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमाशंकर यादव, शैलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य गुड्डू यादव, पूर्व प्रधान बंटी सिंह, रामव्रत सिंह यादव, कैलाश यादव, प्रधानाध्यापक इत्यादि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय बताएं सर। मैं वीरेंद्र यादव, विधायक जंगीपुर, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी संसद क्षेत्र जंगीपुर। विधायक जी, आज आप प्रत्याशी हैं और इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, क्षेत्र की जनता के लिए आगे विकास के लिए क्या करना चाहेंगे आप? फिर समाजवादी पार्टी विकास की है और विकास करेगी। सर, आज गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों का से मिलना जुलना है, क्या सर मांग कर रहे हैं लोग पब्लिक? जनता विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों तक विकास नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया है, किसान परेशान है, अन्ना जानवर जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं उससे परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ कर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए किसान, नौजवान, छात्र सभी लोग लालायित है, व्यापारी से लेकर हर वर्ग जो है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है।